जी जनाब, आइए अब हम तीसरा जो फैक्टर है कल्चर में, जिसको सोशल क्लास कहा जाता है, उसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। आपने ये तो देखा कल्चर किस तरह से क्या होता है, वो किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसी तरह से आपने देखा कि सब कल्चर क्या होता है और वो कैसे बाइंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब सोशल क्लास क्या चीज़ होती है, ये भी एक कल्चर में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, और ये एक ख़ास सोशल क्लास से जब आपका ताल्लुक होता है तो समझें कि आपका एक ख़ास रहन सहन से ताल्लुक होता है। हम इसको देखेंगे तो सोशल क्लास असल में रिलेटिवली परमानेंट एंड ऑर्डर्ड डिवीजन ऑफ अ सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। इसमें दो चीज़ें हैं, किसी का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, यानी किसी शख्स का सोशल रहन सहन जो मेनली इन्फ्लुएंस्ड है उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन से, उसको सोशल क्लास का नाम दिया जाता है। तो आमतौर पर अगर हम देखें तो हमारे यहाँ तीन तरह की दुनिया में, वैसे तो सोशल क्लास की जो दर्जा बंदी है वो मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मुख्तलिफ इसके बारे में इसकी थीरीज़ हैं, मुख्तलिफ इसके प्रपोजल्स हैं, मुख्तलिफ इसकी स्कीम्स हैं, लेकिन जो दुनिया भर में कॉमनली जिस स्कीम को समझा और माना जाता है वो ये तीन लेवल्स होते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। इसमें कुछ लोग एलीट क्लास, अपर क्लास, लोअर अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मेन उसमें आप कह लें कि अपर लोअर, उसके बाद फिर लोएस्ट लोअर का भी जिक्र करते हैं, लेकिन हम इसको तीन जो ये क्लासेस हैं इसके तहत ही समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें अजीज़ा ने मन, हमारे पास तीन यानी डिविजन्स, अब मुझे उम्मीद है कि फौरन आपने पिक कर लिया होगा, चूँकि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इन तीनों स्टेटस जो हैं इनका इस्तेमाल ज़रूर सुनते होंगे। कोई कहता होगा कि यार वो तो अपर क्लास से ताल्लुक़ रखता है, या वो तो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है, या वो तो लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखता है। ये असल में कोई शख्स जो ख़ास किस्म का वे ऑफ लिविंग इख्तियार करता है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रियलिटी, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, उसको हम सोशल क्लास का नाम देते हैं। आप गौर कीजिए, वो लोग जो कि अब अपर क्लास के जो लोग हैं उनका ख़ास करेक्टरिस्टिक है। मिसाल के तौर पर अपर क्लास के लोग आम तौर पे वो लोग होते हैं जो बड़े कारोबारी, जिनका ताल्लुक होता है, जिनका जो पेशा है वो कारोबार होता है, और आम तौर पे बड़े लेवल के जो लार्ज स्केल बिजनेसेस हैं उनसे ये लोग एसोसिएटेड होते हैं। आमदन इनकी अच्छी होती है और इनको जो फ्लो ऑफ इनकम है वो पूरा महीना कह लें इनके पास होता है। आम तौर पे पोश इलाकों में रहते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, बड़ी बड़ी जगहों से ख़रीदते हैं, बहुत क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, वैरायटी कॉन्शियस होते हैं, इनोवेशन कॉन्शियस होते हैं। अच्छा, अब वो तमाम लोग, मैं अब आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जिनका ताल्लुक अपर क्लास से हो, जिनके यहाँ दौलत की रैल पैल हो, जिनके यहाँ फरावानी हो, वो दुनिया की किसी भी जगह पर होंगे ना, वो पाकिस्तान के अपर क्लास के लोग हों, वो बांग्लादेश के अपर क्लास के लोग हों, वो श्रीलंका के अपर क्लास के लोग हों, वो आप कहें कि अफ्रीका के अपर क्लास के लोग हों, वो अमेरिका के अपर क्लास के लोग हों, तो उनके रवैयों में बहुत सिमिलैरिटी आपको नज़र आएगी। अच्छा, इसी तरह से मिडिल क्लास के लोग आमतौर पे वो होते हैं जो या तो मतलब एम्प्लॉयड क्लास होती है, सैलरीड क्लास होती है, लेकिन अच्छी लेवल पर इनमें ज़्यादातर, इसके भी दो हैं, एक टॉप है एक बॉटम है मिडिल क्लास का। जो टॉप है वो असल में अच्छी सैलरीज वाले लोग होते हैं जिनकी तनख्वाहें लाखों में होती हैं किसी हद तक आप कह सकते हैं, और जो इसकी लोअर मतलब पार्ट होता है वो थाउजेंड्स में सैलरीज ले रहे होते हैं। ये लोग नॉर्मली जो इलाके हैं वहाँ पर रहते हैं, मतलब मैं कहूँगा अगर अपर क्लास के लोग, क्योंकि घर का साइज़ कैनाल्स में होता है ना, तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं ये 10 मरला, 12 मरला या कोई 7-8 मरला के घरों में रह रहे होते हैं। ये लोग आम तौर पर ठीक होते हैं, मगर महीने के पहले दिन ज़रा ज़्यादा अच्छे होते हैं इनके, आखिरी दिन में थोड़े से ये लोग केयरफुल हो जाते हैं, और गाड़ी भी उन्होंने 1000 cc से 1300 cc रखी होती है, जबकि जो अपर क्लास के लोग हैं उनकी गाड़ियाँ 1800 cc से ऊपर की होती हैं। ये मिडिल क्लास के लोग जो हैं इनका एक डायलेमा भी होता है वैसे,
ये आइडियलाइज कर रहे होते हैं अपर क्लास को, और इनके कंस्ट्रेंट्स होते हैं किसी हद तक लोअर क्लास वाले भी। फिर हमारी लोअर क्लास के लोग हैं जो आमतौर पे या तो मिडल या लोअर सैलरीड इंडिविजुअल्स होते हैं, इनकी थाउजेंड्स में सैलरीज होती हैं, या ये स्मॉल बिजनेस ऑनर्स होते हैं, माइक्रो बिजनेस ऑनर्स होते हैं। ये लोग आमतौर पे 3 से 5 मरले के घरों में या रेंटेड घरों में रहते हैं। आप कह लें कि खास हमारी लोकेलिटीज़ होती हैं जिसमें ये लोग रह रहे होते हैं। आबादी का बड़ा हिस्सा जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान जिस तरह से है, बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है, यहाँ पर आबादी का बड़ा हिस्सा लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखता है। इनकी अपनी इकोनॉमिक रियलिटीज़ होती हैं, पहले 10 दिनों में ज़रा थोड़े बेहतर होते हैं, बाद में इनका जो कंजम्पशन पैटर्न है वो टाइट होता चला जाता है महीने में, तो इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी ज़रा डाइवर्स नहीं होता है। लेकिन रियलिटी ये है कि जो जिस सोशल क्लास से आप ताल्लुक़ रखते हैं वो आपकी बाइंग को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करती है। तो मैं इसको सम किस तरह कर देता हूँ कि जो पहला फैक्टर है कल्चर, जब भी आप बायर्स को अंडरस्टैंड करें तो आप इस बात का ख्याल रखें कि जो आपकी टारगेट मार्केट है उसका कल्चर क्या है, सब कल्चर क्या है, और उनकी सोशल क्लास क्या है। अगर आप इनका ख्याल रखें तो आप बहुत हद तक ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाउ अ पर्टिकुलर बायर और अ बायर ग्रुप और अ कंज्यूमर ग्रुप वुड रिस्पॉन्ड टू योर प्रोडक्ट और सर्विस। होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।